अल्लाह के नाम का गिफ्ट किस तरह से बनाते हैं, इस अगर गिफ्ट को आप बनाना सीख गए तो आपके 1000 सब्सक्राइबर 2000 सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों किस तरह से बनाना है ये वीडियो मैं आपके लिए खास बना रहा हूँ ताकि आप भी अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कर सकें। दोस्तों मेरे जो है सब्सक्राइबर ने मुझे जो है रिक्वेस्ट की उसकी बिना पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है गूगल में आ जाना है, ठीक है। जैसे आप इस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ सर्च करनी है, अल्लाह का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ और जैसे मैंने सर्च किया है तो आपके सामने यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हुआ है। यहाँ पर इमेज का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी अल्लाह के नाम वाली। तो हम क्या करेंगे, कोई सी भी जो है इमेज होगी हमें अच्छी लगेगी वो हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो सारा मेथड बताऊंगा किस तरह से बनाना है, ठीक है, तरीक़ेकार आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर जो है एक अच्छी जो है मुझे ये इमेज लग रही है तो यहाँ पर मैं इसको जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर सपोज इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ सर्च करनी है, कलर, ठीक है। तो कलर यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको सामने बहुत सारे कलर नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर एक जो ये कलर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है और इसको भी हम डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक काम करना है। यहाँ पर आपके पास पिक्सल लैब तो ईजिली होगी क्योंकि हर यूट्यूबर के पास जो है पिक्सल लैब होती है क्योंकि थंबनेल बनाता है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें करना क्या है कि इसको जो है यहाँ पर तीन डॉट नज़र आ रहे होंगे आपको, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर इमेज साइज़ पर क्लिक करना है, इमेज साइज पर मैंने क्लिक कर दिया और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है हर साइज़ की इमेजेस नज़र आएगी, मतलब कि कौन सी साइज़ की आप बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया है और अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्लस का आइकन नज़र आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर शेप का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो शेप पर हम क्लिक करेंगे, शेप मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है, जो स्क्वायर शेप का है इतना कर लेंगे। तो इसको मैंने बड़ा कर दिया है और यहाँ पर जो है ये बड़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो पिक्चर्स हमने डाउनलोड किए हैं उनको हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर प्लस वाले कंगन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो पिक्चर मैंने डाउनलोड की थी इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी रीसाइज इमेज में जाकर और यहाँ पर मैं इसकी साइज़ बड़ी कर दूंगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर शेप की हो जाए और यहाँ पर इसके स्क्वायर की हो चुकी है और ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर जो है क्लिक कर देना है। नीचे आपको जो है ये कह रहा है कि इसको सेव करना चाहते हैं आप गैलरी में, तो मैं इस पर जो है सेव पर क्लिक कर दूंगा। तो ये सेव टू गैलरी हो चुका है। अब दूसरी भी पिक्चर हम इसी तरह से लेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस आएंगे क्लिक करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर गैलरी से फिर से पिक्चर मैं उठाता हूँ और यहाँ पर जो है इसका ये पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसकी रिसाइज इमेज करेंगे, बड़ी करेंगे। तो यहाँ पर ये 75% तो इसको मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 100 हो चुकी है, मीन्स कि ये फिक्स लग चुकी है स्क्वायर शेप में। अब इसको भी हम सेव करेंगे, तो यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो है ये गैलरी में सेव कर देता हूँ। ये दोनों पिक्चर हमारी सेव हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब आपको एक ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैं इसी एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर ये एप्लीकेशन ओपन है, यहाँ पर कह रहा है इमेज गिफ्ट, जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर दोनों ही हमारी पिक्चर जो है सामने आ जाएंगे। इन दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने ये दोनों ही सिलेक्ट कर लिए और ओके कर देता हूँ। तो आपके सामने डन कर दिया, ये दोनों पिक्चर्स आ गई हैं। अब ये मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ किस तरह से बनाएं। यहाँ पर देख सकते हैं गिफ्ट थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर जो है इसका जो भी रेशियो है वो थोड़ा कम कर दूँगा ताकि ये थोड़ी स्पीड में आए, ताकि जो ये गिफ्ट अच्छा लगे। तो यहाँ पर इसका मैं रेशियो थोड़ा आगे कर देता हूँ और यहाँ पर जो है अब देखें आप कितना अच्छा लग रहा है और गिफ्ट मज़े का मतलब कि बन रहा है। और अगर आपको और भी इसको अच्छा बनाना है तो यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट मिलते हैं, इस इफेक्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर बहुत सारे आपको इफेक्ट मिल जाते हैं, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें। लेकिन ये जो यहाँ पर जो ये इफेक्ट है ये बहुत ही कमाल का इफेक्ट है क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा जो है क्रिस्पी बनाता है। तो ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं आपके सामने कितना अच्छा जो है बन रहा है गिफ्ट अल्लाह के नाम का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बन चुका है। अब क्या करेंगे, ऊपर जो यहाँ पर टिक का निशान नज़र आ रहा है तो इस पर हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि आप इसी साइज़ में जो है इसको सेव करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ओके भाई मुझे यही चाहिए साइज़, तो मैंने ओके कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आया ये गैलरी हमारी में आया है या नहीं आया मोबाइल की। तो यहाँ पर मैं गैलरी को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही मेरे गिफ्ट पड़े हुए हैं, पहले भी मैंने ऑलरेडी बनाया था जो पोस्ट कर चुका हूँ सुबह। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ ये जो है, ठीक है।
तो ये भी गिफ्ट जो है मैंने अभी अभी बनाया, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त बना हुआ है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशन कौन सी डाउनलोड करनी होगी जो मैंने जिसमें बनाया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है गिफ्ट मेकर, ठीक है, गिफ्ट मेकर एडिट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर यह आपके सामने फर्स्ट वाली जो एप्लीकेशन आ रही है इसको आपको इजीली डाउनलोड करना है, इससे आपको बना लेनी है। ये सारा मेथड मैंने आपको सिखाया है, इसी तरीके से आप अपने पोस्ट कर सकते हैं और आपके इजीली सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होंगे। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है और कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।